मुंबई के साहित्यकार प्रदीप गुप्ता के सम्मान में रविवार को साहित्यिक मिलन का आयोजन किया गया। आयोजन में उपस्थित साहित्यकारों ने मुरादाबाद के साहित्यिक परिदृश्य पर चर्चा के साथ साथ काव्य पाठ भी किया। कांठोड स्थित कोचिंग संस्थान स्कॉलर्स डेन में प्रख्यात साहित्यकार यश भारती माहेश्वर तिवारी के संरक्षण में आयोजित कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने किया। काव्य पाठ करते हुए माहेश्वर तिवारी ने कहा, साथ साथ बढ़ता है उम्र का अकेलापन, फ्रेमों में मरता है उम्र का अकेलापन। प्रदीप गुप्ता का ये कहना था, किनारे बैठ कर देख लिया बहुत हमने, मौज के साथ तनिक बहके भी देखा जाए। हास्य व्यंग के वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी ने कहा, चोरी की कविताओं की हाय हाय को लेकर सवाल ये पैदा होकर सामने आया है, किसने किसका माल चुराया है। वरिष्ठ रचनाकार कृष्ण शुक्ल ने कहा, द्वेष घृणा मिट सके दिलों से कुछ ऐसे अशआर लिखो, मानवता दम तोड़ रही है कुछ इसका उपचार लिखो। योगेंद्र वर्मा व्योम का कहना था, रामचरित मानस जैसा हो घर आनंद का अर्थ, माता पिता पति पत्नी भाई गुरु शिष्य संबंध, पनपे बनकर अपने पन के अभिनव ललित निबंध। वरिष्ठ बाल साहित्यकार राजीव सक्सेना ने कहा, प्राचीर के पीछे सूरज निकल तो रहा है, पत्थरों के भीतर कुछ पिघल तो रहा है, स्पंदन धीमे ही सही जीवन चल तो रहा है, अंधेरा घना ही सही दीपक जल तो रहा है, मैं यूं ही डरा जा रहा हूं। जियाज अमीर का कहना था, हकीकत था मगर अब तो फसाना हो गया है, उसे देखे हुए कितना जमाना हो गया है। मयंक शर्मा ने लॉकडाउन की स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा, मन ले चल अपने गाँव ये शहर हुआ बेगाना, दुख का क्या है दुख से अपना पहले का याराना। राजीव प्रखर ने दोहे प्रस्तुत करते हुए कहा, अब इतराना छोड़ दे ओ निष्ठुर अंधियार, झिलमिल दीपक फिर गया तेरी मूछ उतार। मीनाक्षी ठाकुर ने नवगीत प्रस्तुत करते हुए कहा, उसके दम से माँ की बिंदी बिछिया कंगनाहार, नहीं पिता के हिस्से आया कभी कोई इतवार। हेमा तिवारी भट्ट ने कहा, सुंदरता नैसर्गिक हो सकती है किंतु उसका स्थायित्व तुम्हें अर्जित करना पड़ता है, फूल यूं ही फूल नहीं होता, उसे हर पल फूल रहना पड़ता है। अनिल कांत बंसल ने कहा, दोस्तों की दुआएं काम करती रहें, दुश्मनों की निगाहें काम करती रहें, जिंदगी भी प्यार से कट ही जाएगी, बस तेरी वफाएं काम करती रहें। डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने कविता नई सदी की ओर के माध्यम से युवा पीढ़ी के अपनी परंपराओं से विमुख होने पर चिंता व्यक्त की। धन सिंह धनेंद्र ने मुरादाबाद के रंगमंच पर चर्चा की, वहीं डॉक्टर स्वीटी तलवार ने प्रदीप गुप्ता की कविता का पाठ किया। ये बम्बई के एक प्रख्यात साहित्यकार हैं श्री प्रदीप गुप्ता जी, उनके सम्मान में हमने एक ये साहित्यिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें मुरादाबाद के जो प्रख्यात साहित्यकार हैं, युवा साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का हम जो है यहाँ काव्य पाठ वगैरह कर रहे हैं। क्या मकसद है पूरे कार्यक्रम? इसका मकसद यह है कि जो हमारे बाहर से साहित्यकार आए हैं, प्रदीप गुप्ता जी, हालांकि वो मूल रूप से मुरादाबाद के निवासी हैं, संभल में उनका जन्म हुआ है, रहते बम्बई हैं, वो यहाँ के साहित्यकारों से उनका परिचय हो जाए, यहाँ के साहित्य से वो परिचित हो सके और अपने साहित्य से वो उनको परिचित करा सके, एक ये गेट टुगेदर का एक कार्यक्रम हमने रखा है। साहित्य को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास? साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो हम साहित्य मुरादाबाद हमने अपनी संस्था बना रखी है, उससे हम यहाँ के साहित्यकारों को देश और विदेश में प्रसार कर रहे हैं, उनकी रचनाओं को देश ही नहीं विदेश में भी हम उनकी रचनाओं को पहुँचा रहे हैं।